डीप वेन थ्रोम्बोसिस है क्या चीज़ है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना हमारी जो बैक ऑफ द लेग्स और थाइस है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि थ्रोम्बस होता है क्या। डीप वेन, डीप इनसाइड वेन, नसें। थ्रोम्बोसिस को क्या होता है? थ्रोम्बोस होता है ब्लड क्लॉट, नसों में ब्लड क्लॉट जम जाना, खून का थक्का जम जाना, ठीक है। वो अगर एक है, ठीक है, अगर वो ब्रेक हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बोलिज्म, ठीक है। अगर वही जो ब्रेक हुआ है वो चले गए कहाँ पे? लंग्स में चले गया, हमारे गुर्दों में चले गया, उसको क्या बोलेंगे? पल्मरी एम्बोलिज्म। पल्मरी किसके लिए आया? लंग्स के लिए। एम्बोलिज्म किसके लिए आया? जो ब्रेक हुआ था। क्या ब्रेक हुआ था? थ्रोम्बस ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अब आपको पता चल गया होता है क्या और कहाँ पे होता है। बैक ऑफ द लेग्स पे होता है मेनली, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, क्या क्या पेशेंट में हमें ये देखने को मिलते हैं? फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा पेशेंट की जो लेग होगी, सबसे पहले जब वो पेशेंट आएगा उसकी लेग्स आप देखोगे वेंस बहुत ही प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। ठीक है, जिम पर्सन हो उनकी वेन प्रोमिनेंट होती है, बट ये नॉर्मल होगा। सेकेंड नंबर पे आपको जो देखना है जो कलर है वेंस का, वो चेंज होगा। एक तो रेड कलर हो सकता है, रेडिश, और पर्पल, पर्पलिश ब्लू कलर हो सकता है। थर्ड नंबर पे जो एरिया होगा वो वार्म होगा, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके साथ पेशेंट को लेग्स पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, क्रैम्प्स रहेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट रहेगी। तो 5-6 सिम्टम्स से हम ये डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है, ठीक है। देखो हो गया है, अब पता होना चाहिए कि हुआ कैसे है, कास क्या है मेनली इसका। देखो मेन कास यही है जो सर्जरी करा के आता है पेशेंट, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गई या अदर सर्जरीज हो गई, जैसे अबडोमन की कुछ सर्जरी हो गई, ठीक है। इन केसेस में हमें देखने को ये मिलते हैं। जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, इमोबलाइजेशन, मूवमेंट नहीं होना है, रिस्ट्रिक्ट हो जाना, नसों में खून नहीं जाना, आर्टरी ब्लॉक हो जाना, ठीक है, जो लेग्स की मूवमेंट है वो नहीं होना, तो ब्लड की जो रफ्तार है वो रुक जाएगी, ऐसा ऐसा रुक से वो क्लॉट बन जाएगा। तो मेन काज क्या है? इमोबिलाइजेशन, ठीक है। जो पेशेंट्स ज़्यादा बेड रेस्ट पे रहते हैं, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको लकवा कहते हैं कि पैरालिसिस हो गई है, वो पेशेंट 8-10 महीने जो 40 इयर्स के बाद आते हैं पेशेंट, वो उसी जगह पे बेड रेस्ट पे ही रहते हैं, तो मूवमेंट नहीं होती। कई बार पेशेंट दो विलेज वाली साइड में देखे होंगे, मूवमेंट नहीं होती, उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये न्यूरोलॉजी केस में, अगर आपको आर्थो में देखना है तो आर्थो, जैसे हिप की कोई सर्जरी करा के आया है, ठीक है, नी की सर्जरी करा के आया है, प्रोलॉन्ग एक ही जगह पे बैठे हुए तो कॉफ मसल होती है वहाँ पे, बैक ऑफ द लेग, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती क्योंकि वो हमारी कॉन्टैक्ट में होती है किसी चीज़ की, जैसे मैट्रेसेस हो गए, कॉन्टैक्ट में रहने के कारण मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, लैक ऑफ मूवमेंट। ये काजिज इसी के कारण मोबिलाइजेशन और आर्थोपेडिशन और सर्जरी अगर किसी को हुई है, ये प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे कोई पेशेंट है। अब पता कैसे करें कि पेशेंट को ये हो गया? देखो एक तो हम सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, वार्म होना, कलर चेंज होना, क्रैम्प होना, स्वेलिंग होना, इसे हम पता कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आया था डायग्नोस प्रॉपर करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, तो अल्ट्रासाउंड में भी आप ये पता कर सकते हो। तो उस अल्ट्रासाउंड का नाम आता है ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के बाद आ जाता है जो आपकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या आती है, जो मेन फोकस रहता है फिजियोथेरेपी का, कैसे इसको प्रिवेंट करें। देखो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर एंड फ्लूड्स, आपको पेनल्टी ऑफ फ्लूड्स एंड वाटर लेना है। उसके साथ सेकेंड नंबर पर आ जाता है रेस्ट, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? राइस मैथड, RICE। इसमें क्या होता है? आर से हो गया रेस्ट, जो पोर्शन है लोअर लिंग में होता है तो उसको रेस्ट देनी है हमने, ठीक है। अब मैंने पहले कहा कि रेस्ट के कारण इमोबिलाइजेशन, बेड रेस्ट जो लेटे रहते हैं उन पे ये होता है, बट जिनको हो गया उनको भी रेस्ट देनी है। अब ये नहीं वो चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उनको रेस्ट देनी है। अब आगे क्या करना है रेस्ट के बाद? देखो रेस्ट, आर से रेस्ट हो गया, आई से हो गया आइसिंग, जो वार्म टेम्परेचर हुआ था उसको कम करने के लिए आइसिंग करनी है, RIC। सी से क्या हो गया? कंप्रेशन एंड स्टॉकिंग, इससे सॉक्स डालते हैं ना हम, तो हमारी जो लेग्स है लो वो एक जगह पे वो कहते हैं कि स्टेबल रहती है, ठीक है, अलाइनमेंट ठीक रहती है, कंप्रेशन रहती है, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं सॉक्स की तरह, वो लगाने होते हैं हमने। इसके बाद आ जाता है एलिवेशन एंड एक्सरसाइज, ई का स्क्वेयर, RICE, ई से एक्सरसाइज, ई से एलिवेशन, एलिवेशन करेंगे देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी स्टार्ट?
एंकल पंप एक्सरसाइज करते समय आपको अपने फुट को अपने डाउन अप एंड डाउन अपनी तरफ लेके आना है एंड देन डाउनवर्ड्स करना है। ये मूवमेंट आपको 10 टू 15 टाइम्स करनी है पर डे, 3 टाइम्स ए डे। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंकल सर्कमडक्शन गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 10 टू 15 टाइम्स आपको करनी है। उसके बाद पे इन्वर्जन एंड ईवर्जन, इन्वर्जन डैट मीन अंदर की तरफ दोनों फुट को लाना है, जो दोनों टोस होते हैं अंगूठे जिसे हम बोलते हैं, एंड देन ईवर्जन बाहर की तरफ फैलाने हैं पैर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ फैलाने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, ये तो हो गया हमारी फुट की एक्सरसाइजेज, अब आती है नी की एक्सरसाइजेज। नी की एक्सरसाइजेज हमें अपने घुटने को बेंड करना है देन स्ट्रेट करना है, बेंड करना है स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये भी 10 टू 15 टाइम्स करनी है, आप सिंगल लेग करके भी कर सकते हो। इसके बाद आती है SLR, जिसे हम बोलते हैं लेग लिफ्ट। आपको दोनों लेग्स अल्टरनेट पोजीशन में, पहले एक एंड देन सेकंड, अगर एक लेग पे हुआ तो आप उसी पे 10 टू 15 रेपिटेशंस करनी है आपको, जितनी जाएगी उतनी 30 डिग्रीज तक पहले लेके जाना है, होल्ड करना है देन उसके बाद डाउन करना है, ये भी 10 टू 15 टाइम्स करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंकल पंप एक्सरसाइज, नी एक्सरसाइज और लेग।